हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सनी कार एक्सेसरीज। अब तो गाइस एक और वीडियो आप लोगों को लेने आया हूँ सनी कार एक्सेसरीज की तरफ से। और आज अपने पास फिर से आ गई है एक बार ऑल्टो K10। और ये हमारा बेस वेरिएंट रहने वाला है LXi। और इसके अंदर ना हमने इसको टॉप मॉडल बना दिया है यहाँ पे, तो एक बार डिटेल में आपको बताएंगे हम। संजीव हमारे साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो एक बार बात कर लेते हैं। हाँ तो भाई बताओ आज क्या क्या किया इसमें। बेस टू टॉप से भी ऊपर करके दिए हैं। अच्छा, आज मैं एक एक चीज से आपको दिखा दूं। पहले अच्छा एक बार फ्रंट से देख लेते हैं। हेडलाइट क्रोम रहने वाला है और फ्रंट पे मैंने एक हॉर्न लगा के दिए हैं। अच्छा एक बार हॉर्न की आवाज़ सुना दो भाई। फुल करेटा जैनुअल मिलेगा, फुल करेटा जैनुअल, एक साल की गारंटी मिलेगी। अच्छा तो भाई देख सकते हो हॉर्न कितना जबरदस्त है। ये हेडलाइट पे इस तरह से क्रोम लगा दिया गया है जी। एलईडी नहीं लगा इसमें? एलईडी के भैया को ख्वाहिश नहीं था, अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा तो एलईडी अगर भैया आपको चाहिए ना तो हाँ। एलईडी भी आपको मिल जाएगी। तो एक बार साइड में बता दो क्या क्या करके दिया हमने। साइड में तो और कुछ ज्यादा हमको देखने को नहीं मिल रहा। साइड में बस एक हम डोर गार्ड लगा दिया है, बस बेसिक चीज संभाल लेना। और हम साइड फिटिंग लगा दिए है। साइड फिटिंग तो हमेशा लगाते हैं, साइड फिटिंग हमेशा लगाते हैं। इसमें कुछ हटके किया है, जो कि हमारा ये डोर वाइजर रहने वाला है, ये हमारा मारुति जनवर रहने वाला है। तो इसमें मारुति जनवर डोर वाइजर लगा दिया है ना? बिल्कुल। हैंडल क्रोम, हैंडल और डोर भी लगा दिया है और डोर गार्ड भी लगा दिया है। अगर और कुछ आपको चाहिए साइड में तो और कुछ भी हम लगा देंगे। मतलब बाहर से बेसिक काम ही है, ज्यादा वो नहीं है ना, बाहर से बेसिक कमाना है। एक बार पीछे बता दो क्या क्या करके दिया फिर। पीछे हमका टेलर का क्रोम देखने को मिलता है। पहले टेललाइट का क्रोम देख सकते हैं गाइस, क्रोम की क्वालिटी जेन्युइन है भाई। हां जी भैया, बिल्कुल जेन्युइन है। तो क्रोम देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से। और पीछे स्पॉइलर जो कि हम हमेशा लगाते हैं, हमेशा लगाते हैं वो भी लाइट वाले के साथ। तो इसमें लाइट भी देखने को मिल जाएगी ना ब्रेक पर जाएंगे। एक बार जरा रिस्पांस दिखा दो हमारे कस्टमर्स को। तो गाइस देख सकते हैं स्पॉइलर इस टाइप का देखने को हमें मिल जाता है। और ब्रेक दबाने पर ना इस टाइप से ग्लो करता हुआ हमें देखने को मिलता है, देख सकते हैं। ये कंपनी फिटेड और ये अपना वाला है, तो इस टाइप से ग्लो करता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये तो स्पॉइलर हो गया भाई। और नीचे कैमरा, नीचे तो कैमरा लगाए, बाकी आपको छुपा के चाहिए तो छुपा के यहाँ पे भी लग सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो तो चलो कस्टमर की ख्वाहिश है कि कहाँ पे उनको लगवाना है। एक बार ना अंदर चलते हैं। अंदर चलने से पहले एक बार फ्लिप की दिखाओ हमें। फ्लिप की ये देख लो भैया, ये हमारा चाबी चल लॉक देख सकते हैं गाइस, सेंटर लॉकिंग करी है फोर डोर। और इसके अंदर ना फ्लिप की बनी हुई है कुछ इस तरह की, देख सकते हैं मारुति का लोगो लगा दिया है इस तरह से। की आपकी ना बटन दबाते ही बाहर आ जाएगी, बटन दबाते ही वापस अंदर चली जाएगी। लॉक अनलॉक सब कुछ होगा यहाँ पे है ना। तो ये की बना दी गई है, अगर किसी को प्लेन चाहिए तो प्लेन भी मिलेगा, प्लेन भी मिल जाएगा। तो एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर चल के दिखाते हैं क्या क्या किया है। तो भाई डोर ओपन कर लेता हूँ। ओ भाई एंबियंस लाइट, वेलकम लाइट, सब कुछ कर दिया भाई है। सब कुछ किया हो भैया, सब कुछ किया हो। बाहर मुझे देख के लग रहा था बाहर से कि ज्यादा काम नहीं किया इस गाड़ी में। नहीं भैया, बाकी अंदर का मॉडिफिकेशन पूरा तगड़ा ही हुआ है। अच्छा जी, बाकी सीट कवर भी ये हमारा कंपनी का ही रहने वाला, अगर आपको चाहिए तो सीट कवर भी हम आपको लगा के देंगे। गाइस देख सकते हो कंपनी फिटेड सीट कवर है, ऐसे ही डिजाइन हम भी बना सकते हैं ना। बिल्कुल बना देंगे भैया, इसके कुछ हटके अगर आपके दिमाग में है तो वो भी हम बनवा के देंगे भाई। जैसा डिजाइन चाहिए ना वैसा डिजाइन यहाँ पे बना के मिलेगा। स्टीयरिंग भी कंपनी स्टिचर है बिल्कुल। तो ना अगर स्टीयरिंग कवर भी आपको चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे सिल के दे दिया जाएगा है ना। नॉर्मल चाबी इस तरह की होगी ना? हाँ जी भैया, नॉर्मल चाबी आपको इस तरह से होगा और फ्लिप की वाली आपको इस तरह से होगा। देख सकते हैं इस टाइप का यहाँ पे रहने वाला है सारा सिस्टम अपना जी है ना। तो K3 एम्बियंस लाइटिंग कर दिया भाई ऑल्टो में है ना। ऑल्टो K10 में हमने K3 एम्बियंस लाइट कर दिया। आपको K4 चाहिए तो K4 भी मिल जाएगा, 10 पीस में चाहिए, जितना पीस में चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। गाइस देख सकते हैं मल्टी कलर रहने वाली है, फोन से कंट्रोल करोगे, डिम करो, ब्राइट करो, सब कुछ करो। एक बटन भी आपको मिल जाएगा, बटन से भी आप कर सकते हो। बटन बड़ा छुपा के दिया यार, यार भैया बटन ऐसे। और ट्विटर की प्लेसमेंट क्या है भाई? मीटर चेंज होगा इसमें, नो वाला लगेगा। तो भैया अच्छा, बोला हमको यहाँ पे कुछ छेड़वानी नहीं है। तो मैंने अच्छा, पूछ लिया भैया आपको चाहिए कहा, तो भैया ने मुझे सजेस्ट किया था कि यहाँ पे हमको लगा दो, तो मैंने यहाँ पे फिटिंग कर दिया हूँ। एक बार डोर बंद होगा तो ये आएगा नहीं क्या सामने? बिल्कुल सामने आएगा भैया, एकदम बढ़िया 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 कम्प्लीट। यहाँ पे तो जॉयस्टिक लग जाएगा अपना, मिरर चेंज हो जाएगा है ना। और यहाँ पे आपका ये आगे ट्विटर आ गया, अगर आपको मीटर नहीं लगवाना, अगर यहाँ पे लगवाना है तो यहाँ पे भी आपको लग जाएगा। फिटमेंट देख सकते हैं, फिटमेंट आप देख लो, कहीं पे भी कुछ आउट नहीं आएगा। बाकी कस्टमर बने रहे हैं, आप कस्टमर से भी एक बार रिव्यू हम ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस देख सकते हैं एम्बियंस लाइटिंग हो गई, ट्विटर देख के लग रहा है JBL का यहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल करके दिया, जो कि हमारे स्पीकर्स है ना। जी भैया, JBL का आगे कंपोनेंट, पीछे क्विएक्सल, मतलब कॉम्बो हमने इसमें लगा के दिया है। JBL का कॉम्बो यहाँ पे फिट कर दिया गया है। साउंड बहुत ज्यादा जेन्युइन यहाँ पे रहने वाली है हमारी। स्क्रीन की एक बार बात करते हैं, स्क्रीन का हमारा एडिशन ब्रांड में रहना है, 232 रहने वाला है। बाकी आप देख रहे होंगे
देख सकते हैं एडिशन ब्रांड की यहाँ पे स्क्रीन हमें देखने को मिल जाती है 2GB RAM 32GB स्टोरेज के साथ। एक बार रिवर्स कैमरा जो मैंने आपको दिखाया था ना उसकी वर्किंग दिखा देता हूँ रिवर्स करते ही। भैया फुल AHD में चलेगा भाई, देख सकते हो AHD क्वालिटी रहने वाली है, 1080p की यहाँ पे क्वालिटी देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं कितना क्लियर है, पीछे वाले बोर्ड्स पे जो नाम लिखा है ना वो भी पढ़ सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारा इसमें काम रहने वाला है ना। और एक ईयर एंटीना हमने भी इसमें लगा के दे दिया क्योंकि ऊपर हमारा बेस मॉडल में एंटीना आता नहीं है। देख सकते हैं गाइस बेस मॉडल में एंटीना नहीं आता है, तो कस्टमर FM के शौकीन है तो इसलिए FM सुन सके, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक एंटीना यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है ना। भी हमने लगा के दे दिया बाकी, और ऊपर आप जेन्युइन वाली लगाना चाहते तो वो भी हमारे पास लग जाएगा। शार्क फिन टाइप लगाओ या फिर वो जो स्पाइक निकला रहता है वो लगाओ, कुछ भी मिलेगा ना, लगवा सकते हो आप। अच्छा, तो ये सारा काम हो गया है देख सकते हैं गाइस। और ये सारा काम अगर मैं बताऊँ ना कहाँ पे हुआ है, तो ये सारा काम हुआ है गाइस सन्नी कार एक्सेसरीज करोल बाग के अंदर। तो बाकी चीजों की भी मैं बात कर लूंगा, और वेलकम लाइट दिखाता हूँ, देख सकते हैं वेलकम लाइट देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, वेलकम लाइट का कलर उतार दिया यहाँ पे, देख सकते हैं इस तरह की लुक यहाँ पे आती है जी वेलकम लाइट की। अब मेन चीज की बात करते हैं, ये मेन चीज हमारा रहने पावर विंडो और सेंटर लॉक, देख सकते हैं सेंटर लॉक तो मैंने बता दिया था आपको, पावर विंडो बता देता हूं, फोर डोर पावर विंडो लगाई गई है, यहीं से मैं कंट्रोल करूंगा शीशे अपने, देख सकते हैं ये डाउन हो गई, ये अप हो गया, लेफ्ट साइड की बात करें डाउन हो गया अप हो गया, एक बार पीछे का यहीं से कंट्रोल करके दिखाऊंगा, देखो डाउन हो गया अप हो गया, और ये हमारा देख सकते हैं अप हो गया और यहाँ पे डाउन हो गया, तो इस तरह का रहने वाला है। चाइल्ड लॉक देख सकते हैं ऊपर, अप डाउन करो जरा, देखो गाइस अभी आप यूज़ कर पा रहे हैं, बटन प्रेस कर दिया नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये चाइल्ड लॉक फीचर है, बहुत ही कमाल का फीचर है, ठीक है ना। एक बार ना सारे पावर विंडो डाउन करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं गाइस सारे पावर विंडो यहाँ पे मैंने डाउन कर दिए हैं, है ना। चाबी निकाल लेता हूँ गाड़ी से, और यहाँ से हम करेंगे चाबी को लॉक, गाड़ी लॉक करी, देख सकते हैं एक एक करके सारे पावर विंडो अपने आप यहाँ पे अप होते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं हमें। कमाल है भाई, कमाल है, बिल्कुल बिल्कुल भैया, आपको ये काम कराना है तो सन्नी कार करोल बाग है गाइस, देख सकते हो सन्नी कार एक्सेसरीज करोल बाग के अंदर आपको आना होगा। अगर आपको भी अपनी ऑल्टो केटन में ऐसा ही अमेजिंग जबरदस्त काम करवाना है तो सन्नी कार करोल बाग। तो गाइस देख सकते हो काम तो ऑल्टो का अपने कंप्लीट हो गया है। एक बार बात कर लेते हैं हमारे भैया जो ऑल्टो लेकर आए हैं अपने पास, तो भैया अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंकुर शर्मा है, बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो भैया आपकी गाड़ी में काम किया गया है सन्नी कार एक्सेसरीज के पास, है ना, सारा काम यहाँ पे लगभग बेस टू टॉप सारा ही काम हुआ है, तो कैसा काम लगा आपको यहाँ का? मुझे बहुत अच्छा काम लगा, मैं वीडियो देख के आया था तो मुझे ऐसा लगा था कि काम थोड़ा वैसा हो सकता है, लेकिन मैं जब आया यहाँ पे मैंने विजिट किया और मैंने मेरे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे आपका विंडो सेंटर लॉकिंग हो गया, पावर विंडो हो गया, फिर गार्निश भी हो गया, और दो तीन चीज़ें और भी थी, तो सारी चीज़ें हुई और बहुत ही कम टाइम में ये हो गया। ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरे गाड़ियों में भी ये लगे रहे, अपने मेरे ही काम को प्रायोरिटी दी, मेरी गाड़ी को इन्होंने प्रायोरिटी दी और कुछ ही घंटों के अंदर इन्होंने सारा काम कर दिया। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सभी लोग हैं जिनके पास भी कार है, वो कोई भी गाड़ी हो या ऑल्टो हो या कोई भी प्रीमियम कार हो, कोई भी हैचबैक या बड़ी गाड़ी हो, वो ला सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं सनी कार एक्सेसरीज से। तो मैं इनको बहुत बढ़िया बोलना चाहूँगा कि ये ऐसे काम करते रहें। मैं 10 में से 10 देना चाहता हूँ, और संजीव भाई इन्होंने पूरी गाड़ी का काम किया है, तो इनको मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। इन्होंने पूरा काम किया है कंप्लीट, इन्होंने सारा काम करके दिया गाड़ी का और कम टाइम में काम करके दिया, ये सबसे अच्छी बात है। और सारे जेन्युइन पार्ट्स लगाए हैं, जो भी मैंने इनको बोला जेन्युइन लगाइए तो जेन्युइन करके दिया। और थैंक यू सो मच सनी भाई, इन्होंने ये मेरा सारा प्रोडक्ट ला के दिया और गाड़ी में इंस्टॉल करवाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।